मैंने ऑडिशन रोक दिया मैं स्लाइड का एक मुल्क उठा लो देखो भाई ऐसा है कि टैक्सी ड्राइवर हूँ ट्रैफिक से परेशान नहीं होऊंगा मुंबई तो में संघर्ष की भाई कोई कहानी मतलब तो कोई व्याकरण नहीं है मतलब कोई सक्सेस फॉर्मूला है आप कैमरे के आगे अपनी बात कह देते हैं और ऑडियंस कन्विंस हो गया आप अच्छा � Right. इरफान साहब को देखिए आप दुनिया में नहीं रहे आप मनोज भाई को देखिए हुए और चुनिंदा नामों को देखिए ये जब एक्टिंग करते हैं तो इसके पीछे का अनुभव आपको दिखता है नसीर साहब ओमपुरी सर या ऐसे जो किरदार हैं जो पुरोधा हैं अभिनय के जिनसे अभिनय की ज्ञान गंगा निकल रही हो और लोग उसमें नहा ले, उनसे सीख के तो वो मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे आपको क्या क्या बोल सकते हैं एक्टर डायरेक्टर स्क्रिप्ट राइटर मुझे लगता है की अच्छा इंसान मुझे कह दे पे काम हो जाएगा एक अच्छे इंसान हाय आई एम ज्योति राय एंड यू आर वॉचिंग ईथर वायर पॉडकास्ट योर क्वेंट असेंशियल प्लग इन फॉर पर्सनल एंड बिजनेस ग्रोथ दिस एपिसोड इज अ स्पेशल वन इनफैक्ट मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ और मे बी लेट मी शेयर इट दिस वे हम मूवीज देखते हैं एंड uh, कुछ मूवीज में हम अपने आप को देखते हैं तभी वो कैरेक्टर्स हमसे कनेक्ट कर पाते हैं एंड हम उनकी कहानी में अपनी कहानियाँ ढूंढते हैं वाई यू थिंक वी क्राई समटाइम वी गेट इमोशनल फॉर सम सीन्स ऑब्वियसली हम उन सीन से कनेक्ट कर पा रहे हैं उन किरदारों से कनेक्ट कर पा रहे हैं और उस स्टोरी से कनेक्ट कर पा रहे हैं जो वो किरदार प्ले आउट कर रहे हैं मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जो देखते हैं महसूस करते हैं जो सुनते हैं उनका असर हमारे ज़िंदगी में होता है हमारे विचारों पे होता है और डेफिनेटली इन विचारों से हमारे हैबिट्स और हमारे कैरेक्टर्स बनते हैं आज मेरे इस एपिसोड सीरीज़ एनिग्मा ऑफ स्टोरी टेलिंग में एक बहुत स्पेशल गेस्ट है वो स्पेशल इसलिए हैं बिकॉज़ उनका एक नज़रिया है एक नज़रिया जो आपको भी बहुत कनेक्ट करेगा एक ऐसा नज़रिया जिससे आप भी शायद बहुत इम्पॉर्टेंट जिंदगी का पहलू सीखेंगे मेरी कोशिश रहेगी कि आपको शशि वर्मा जी के लाइफ से कुछ बेहतरीन किस्से कहानियाँ मोटिवेशन और लर्निंग्स मिलें जिससे यू कैन फील द वे आई फील कि ये ज़िंदगी मैंने भी जी है शशि वर्मा की ज़िंदगी में मेरी भी कुछ परछाइयाँ हैं कुछ रिजेम्बलेंस हैं लेट्स फाइंड आउट विद शशि वर्मा अनप्लग्ड Enigma of storytelling and storyteller is here. Shashi welcome Thank to the show. Thank you इतनी बात कही आपने मेरे बारे में आई वॉज लाइक थिंकिंग इतना कुछ है क्या कहने बिल्कुल तो बस कोशिश ये रहती कि है कि आदमी खुश रहे हैपीनेस रहे निदाफाजिली का एक शेर है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो ऐसा करें किसी रोते हुए बच्चों को हंसाया जाए तो हम वही कोशिश करते हैं कि हम हंसें लोग हंसते रहें खिलखिलाते रहें एक पॉजिटिव माहौल बना रहे अब तक की यात्रा में यही मैंने सीखा है और यही मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी चलता रहे आपने एक बहुत प्यारी बात कही थी जब कैमराज ऑफ थे कि जब मैंने पूछा जिंदगी का सफर कैसा रहा और uh, कैसी कटी <laughs> तो आपने एक बड़ा ब्यूटीफुल uh, जवाब दिया प्लीज़ हमारे लिस्टर्स के लिए रिपीट करें हाँ ज्योति क्या था कि कहानी कहने निकले थे कब कहानी का हिस्सा बन गए पता ही नहीं चला वही है ज़िंदगी और आज भी लगता है कि बहुत सारी कहानियाँ अधूरी हैं और जिस तरह से कहानियाँ सिनेमा में ओ के एपिसोड्स में या मतलब छोटी छोटी फिल्मों में जहाँ जहाँ से कहानियाँ आ रही हैं छोटे शहरों से कहानियाँ आ रही हैं कमाल की बातें कहती हैं और उस कहानियों में कहीं ना कहीं हम जैसे लोग होते हैं जो छोटे शहरों से यहाँ आए होते हैं अपने सपनों के साथ लेकिन अच्छी बात यह है कि उन सपनों के बोझ के तले दबे नहीं हैं समझ रही हैं तो जो सपना अगर सोई आंखों ने देखा है तो अब वो जागती आंखों से वो सपनों को हकीकत में बदल रहे हैं जितना मैं देख पाई हूँ ज स्पेक्ट्रम पैनोरामा ऑफ कैरेक्टर्स दैट यू हैव प्लेड कैसा रहा ये स्पेक्ट्रम बड़ी दिलचस्प कहानी है मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मैं कभी एक्टर बनने नहीं आया था मुंबई ये बड़ा पहली बार पता चली ये बात बड़ा क्लेश लाइन है जो बहुत लोग कह चुके हैं कि यार मैं एक्टर बनने नहीं आया था दरअसल मन में तो कहीं था क्योंकि मैं जब पटना से दिल्ली पहुंचा तो मैंने काफी रंग कर्म किया मैं जे में रहा तो रंगकर्म रंग, रंग कर्म मतलब हमने प्लेज किए थिएटर किया ओके, आ, वहाँ पे दिल्ली में एक संस्था है श्रीराम सेंटर फॉर पर परफॉर्मिंग आर्ट वहाँ पे दो साल का कोर्स होता है वो भी मैंने किया और काफी सारे थिएटर्स किए और जे के माहौल में पला बड़ा हूँ तो वहाँ पे ना काफी रिच थिएटर है और थिएटर में आप

तो वो जो अभिनय का चला मेरे अंदर कि यार ये क्योंकि देखिए जितना अनुभव रहेगा जितने अच्छे अच्छा अनुभव आपके पास रहेगा आप अच्छा अभिनय कर पाएंगे तो मेरे अंदर था कि मैं एक्टिंग करूं लेकिन मैं मुंबई के संघर्ष में एक्टिंग के दम पे अफोर्ड नहीं कर पाता आई कैनोट अफोर्ड माई स्ट्रगल मुंबई तो मैं अपने जीवन की शुरुआत मैंने कैमरामैन से की कैमरा असिस्टेंट रहा फिर मैंने एडिटिंग सीखी वो इसलिए कि कल होके अगर मुंबई जाऊंगा तो मैं ऐसा ना हो कि खालियाियत घूमता रहूं कुछ ना कुछ तो आता है फिर लगा कि मुझे स्टोरी कहनी है मुझे अपनी बात कहनी है मैं मैं, मैं, मैं लिखूंगा तो फिर वहां से शुरू हुआ सफ़र मैंने जब लोग सोचते नहीं तब मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी द टच मैं तब सायन कोलीवाड़ा में रहता था और मैं अंधेरी से सायन जाता था मतलब वो जो किंग सर है ना तो मैं अंधेरी में एक देखता था रात के साढ़े ग्यारह बारह बजे करीब एक अंधा आ, भिखारी और एक हिजड़ा दोनों गप्पे लड़ाते रहते थे और वहां से कहानी जन्म ली और फिर मैंने लिखा एक शॉर्ट फिल्म जब टच करके कई जगह दिखाई गई उस वक्त अभी का जैसे माहौल है शॉर्ट फिल्म का उस वक्त नहीं था बन रहे थे हमने बहुत कम उस वक्त पी डी कैमरा आया था जो काफी चल पड़ा था तो हमने उससे बनाया था अच्छी कहानियां थी तो कहानी कहने का जो थाना के अंदर कुछ कहना है अपने तरीके से कहना अपनी बात कहनी है उस दौर में कब एक्टिंग से नाता टूट गया ये पता ही नहीं चला मतलब ये लगा नहीं कि मुझे कैमरे के आगे एक्टिंग करनी है मुझे लगा कि किरदार गढ़ने हैं नए किरदारों के साथ नए स्थितियां गढ़नी है वहां पे लोग अभिनय करेंगे जो वो अभिनय करेंगे जो मैंने कहा है वो जो कहानी बताएंगे जो मैंने लिखा है उस चक्कर में अभिनय रह गया लेकिन देखिए इतफाक देखिए मैंने एक फिल्म बनाई थी

पाने के लिए तो तो पूरा दुनिया सब सब क्या ये तो ये तो ये मिला था ना right. मैंने कहा चलो ये भी एक लर्निंग प्रोसेस रहा रिलीज हुई बहुत ज्यादा hmm. चली नहीं hmm. और क्योंकि सामने सलमान खान की बहुत बड़ी पिक्चर थी पिक्चर बाद में स्टार गोल्ड पे आई और क्या कहते हैं उसको नेटफ्लिक्स पे बार बार सुरवंशम की तरफ बार बार, बार, बार। पिक्चर और उस फिल्म में ये हुआ कि मैं उस फिल्म में भी की मैंने yes, अच्छा <laughs> बहुत पैसे वैसे तो हुआ। भाई, तो आप भी तो अभिनेता के पीछे भी कैमरा यार ये कॉलिंग है तो क्या देखिए मैं दोनों बात कह रहा हूँ जब वो मुझे ऑफर हुआ तो मैं अकेले बैठे सोचा यार मुझसे कह रहे हैं क्यों नहीं कर लिया जाए क्या करने में क्या दिक्कत है नहीं नहीं अच्छा नहीं होगा पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर तो मुझे लगा कि वही वाली बात है कि इतने बुरे थोड़े नहीं कर पाएंगे चलो हुँ। हुँ। करते हैं ज्यादा क्या गाली होगा <laughs> एक्सपेरिमेंट सही बट उस फिल्म में फिल्म ना चली मैं चल गया <laughs> <laughs> तो, तो उसके बाद जो है लोग मुझे एज एन एक्टर देखा आप समझ रही है? तो एड में शुरू हो गया एड के काम आने हैं मुझे आज भी याद है कोमल नाटा जी ने बहुत बड़े फिल्म समीक्षक हैं वो फिल्म देख के निकले थे तो उन्होंने बड़ी तारीफ में मुझे फ़ोन किया था यार क्या पिक्चर बनाई है तुमने तो क्या एक्टिंग एक की है लेकिन कुछ कुछ चीज़ें थी अगर ठीक कर लेते मैंने कहा वही ठीक नहीं कर पाया जिसके लिए मैंने आर्गू किया तो शायद मुझे डायरेक्टर का रोल नहीं मिला मतलब नाम नहीं मिला मुझे खरे नहीं तो मैं बतान चाह रहा हूँ कि जो फिल्म नहीं चली ना तो मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था कई सारी चीज़ों को लेकर के नाम नहीं मिला फिल्म और अच्छी बन सकती थी ये वो तो वो डेढ़ दो साल बड़ा अजीब सा था मेरे लिए तो आनंद फानंद में घर चेंज किया <coughs> अब घर चेंज किया तो मुझे अपने बच्चों का एडमिशन में कराना था तो मैं यही चार बंगला जानकी देवी स्कूल के पास फॉर्म लेने जा रहा था और मुझे मालूम नहीं था वो गूगल के चक्कर में गाड़ी घुसेड़ दी मैंने और वो फिर वो जाम हो गया मैं सोचा कहा पार्क करूँ आप समझ रही हैं तो वहां पे एक लड़का मुझे सिगरेट पीता हुआ दिखाई पड़ा जिसको मैंने वर्कशॉप में ट्रेंड किया था कभी उसने मुझे देखा अरे सर यहाँ हाँ यार वो एडमिशन के लिए आया था कोई देख रहा हूँ अरे आप इधर आइए फिर उसका एक ऑफिस था उसने वहाँ पे गाड़ी पार्क करवाई बोल जाइए सर आप फॉर्म लेके आइए हाँ मैं हूँ अब मैं गया प्रिंसिपल तक आई नहीं थी तो मैं वापस आ गया बस तो सर मैं चाह रहा था एक बात कहना बोले कहिए एक छोटा सा ऑडिशन दे देंगे क्या आप मैं एक ऐड के लिए ऑडिशन ले रहा हूँ दे देंगे क्या अब मेरे अंदर ये अरे सारा ये अभी ऑडिशन देना वो अचानक से अरे नहीं नहीं यार मेरे से नहीं होगा अरे सर वो आपकी पिक्चर में देखिए और आप हम लोगों को पढ़ाया है आपने सिखाया है तो हम चाहते हैं कि ये रोल आप करिए मतलब ऐड में ऐसे ही होता है आपके ऊपर करिए मैं अब इस अब वही बात है अब ध्वन चालू है फिर मैं गया फॉर्म लेकर आया चल आता हूँ मैं गया तो जीवन में मैंने पहली बार मतलब इस तरह का ऑडिशन दिया एक और ऑडिशन दिया था मैंने वो भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है वो इसलिए क्योंकि मुझे किसी को जवाब देना था और उसमें मैंने मैं भी सफल भी हो गया था इस वाले में गया तो अब क्या था कि मैंने अब कोई कॉर्पोरेट फिल्म बनाई है अब मैंने पिक्चर डायरेक्ट की है अब मुझे डायरेक्ट कोई अब क्या होता है ना कि हो जाता अरे इतना जमीन डायरेक्ट किया अब वो ऐसा था कि लिटअप है और डार्क में मतलब घुसा तो डार्क में पहुंचा हुँ, हुँ, हुआ और वहां पे एक सिचुएशन दिया गया और इस तरफ लोग बैठे हुए हैं अब मेरे जीवन का पहला इस तरह का एड के लिए टीवीसी के लिए ये था कि आप ऑडिशन दे रहे हैं और उसमें मुझे एक टैक्सी ड्राइवर प्ले करना था <laughs> फिर से मुझे और लगा करे यार वर्दी पहनवा रहे हो यार आप सोचे बार बार हाँ, I know that the resistance आ रही थी, एक चिड़ा रही थी। वो destiny थी, अब मैं आया और बैठ गया वो, तो वो मैंने देखा था का oh <laughs> oh yes, तो उसमें उसकी जो जो audition, जो फर्स्ट एडी थी ऑडिशन कास्टिंग डायरेक्टर के साथ चूंकि वो उस दिन ना फाइनल ऑडिशन थे और उसमें मुझे नहीं मालूम कि और कौन कौन बैठे थे बताता हूँ तो एक फर्स्ट एडी का लड़की थी सर ऐसे नहीं ऐसे आप ना आप टैक्सी ड्राइवर हो सर और आप बहुत ट्रैफिक लगी और आप परेशान हो अब देखिए अब क्या होता है मैंने ऑडिशन रोक दिया मैं स्लाइड का एक मिनट रुको ना देखो भाई ऐसा है कि टैक्सी ड्राइवर हूँ ट्रैफिक से परेशान नहीं होंगे क्योंकि आज मेरे पीछे जो बैठी है उसका एग्जाम है एक एनजाइटी के समय पर पहुंचाना है तो ये अलग परेशानी है ये सब नहीं करूँगा एग्जैक्टली मेरी एक्टिंग के परिभाषा में ये सब नहीं है जो ड्राइवर है <laughs> वो रोज निकलता है उसका काम तो ही है ट्रैफिक होगा एक वॉइस है तो मैंने अपना अपना किया हो गया अब <laughs> मैं निकला ही कि सर आपका ये डेट है या ये पैसे है आप सिलेक्टेड हो तो मैंने पूछा उससे यार कौन था वो

You know, एक एग्जिबिट करनी थी अपने उस चेहरे पे लानी थी वो चिड़ भी डिफरेंट एंड डिफरेंशिएट करती है किस रीजन से हो रही है आई थिंक दैट्स द एनिग्मा ऑफ स्टोरी टेलिंग थ्रू एक्सप्रेशन शशि जी आपने बहुत बेहतरीन चीज़ बोल दी एंड मैं भी रिकॉल किया वो एड जो आपने पहली बार मुझे भेजा ये लो अभी तो नहला डाला <laughs> नहला डालने में सो हाउ मिस्टिकली थिंग्स नो कि आपने हर वक्त कहा ये कॉलिंग ah, ये कॉलिंग है बिकॉज आई रिमेंबर यू एज अ सुपर एडमिन बिकॉज हम एक चैनल के सेटअप पे मिले थे एंड ah. uh, फिर मैंने आपको देखा आपने एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी नरेट की थी मुझे hmm. मैं आज भी उस स्टोरी में इन्वेस्ट करना चाहूँगी आपकी पावर ऑफ नरेशन तब मैं समझी थी बिकॉज आप मुझे एक इमेजिनरी जगह पे ले गए थे और मैं कन्विंस हो गई थी कि दिस इज़ हाउ द आउटलुक ऑफ दैट सेटअप इज़ एक कहानी थी जो शशि जी ने मुझे बताई थी और कैन आई शेयर थोड़ा, थोड़ा <laughs> आ, कहानी का नाम नहीं बताऊंगी बट उस कहानी में एक बच्ची है और बच्ची आ, जिसकी करहाने की चीखें जहाँ से वो आ रही हैं वो आप नहीं पाओगे मैंने ये चीखें सुनी नहीं थी शशि जी ने मुझे ये सिर्फ नरेट की थी और ये नरेशन 12 साल पहले की है राइट आई रिमेंबर इट टिल डेट आई कैन टेल यू मच बट एक बहुत ही बेहतरीन मूवी की स्क्रिप्ट लिखी गई और उसकी नरेशन मुझे शशि जी से एक बहुत ही ऑफ बीट जगह पे कोक पीते पिज्ज़ा खाते हुए yeah. हुई थी आ, एक मॉल में बट वट आई एम ट्राइंग टू से आपके एक पावर ऑफ नरेशन बहुत स्ट्रांग है जब आप बोलते भी नहीं हों ओ और बॉडी इज़ कम्युनिकेटिंग आपकी कुछ मूवीज मैंने भी देखी और आपके एड्स तो मैं दिखते रहते हैंबल कैरेक्टर द मोस्ट अनयल कैरेक्टर फॉर यू दैट मेमोरेबल कैरेक्टर इज इज टू कम बट आप अभी जितने भी अगर एड अगर आप मेरे देखें उसमें सारे किरदार थोड़े अलग होते हैं hmm. और मैं कोशिश करता हूँ कि यार इसमें वो थोड़ा सा कुछ अपने तरीके से कर लिया जाए क्योंकि

भगवान ने शक्ल ही मेरी ऐसी दे दी है कि बाप ही दिखता हूँ तो आ, तो बाप बन गया लेकिन वो एक ऐसा अभागा बाप है जो अपने बेटी के कारण ऐसे सिचुएशन है कि भाग रहा है तो मेरे लिए बेस्ट कॉम्प्लीमेंट था कि उसमें एक जगह मुझे थप्पड़ मारता है गुंडा और मैं गिरता हूँ अपनी फैमिली के सामने और मेरी बेटी उठाती है सब जितने लोगों ने देखा अरे सर क्यों मारा आपको उसने सब नकली है लेकिन मुझे लगा और... कि वो करते वक्त मिला कि यार सही में मैं वैसा हूं मेरे लिए यही था कॉम्प्लीमेंट अभी भी सीजन टू में भागी रहा हूं तो मुझे कहता ना कि कभी कभी किरदार में अपने आप को ढूंढते हैं हम लोग है है ना और एक्सपीरियंस होता अब हम जाहिर सी बात है मैं उतने बड़े बच्चे का बाप नहीं हूँ मेरी बेटी का बाप हूँ लेकिन मैं आई कैन रिलेट मैं कभी भी उस तरह का एफर्ट समझ नहीं करता हूँ मैं देखता हूँ क्या है right. अच्छा मेरी ये ये चैलेंज किसी और से नहीं है मेरी खुद से है ओके okay. बेटा ये इसमें क्या नया करोगे तुम तो वही हो शशि वर्मा हो इसमें क्या करोगे फिर मैं कहता चलो करके देखते हैं हाँ, सो so, उसका प्रोसेस क्या रहता है कुछ नया करने का इन अ वेरी ओल्ड कैरेक्टर्स ये कहाँ से आता है जो लिटिल लिटिल चीजें आती हैं वो कैसे आती हैं इसके पीछे की दिलचस्प कहानी है सीक्रेट है तो कान में बता नहीं, सकते नहीं सीक्रेट भी नहीं, ये ये, okay. ये हर रंग कर्मियों को जितने हुँ. भी थिएटर प्रैक्टिसनर्स हैं सबको समझ में आता है कि एक एक अच्छा ऑब्जर्वर एक अच्छा एक्टर हो सकता है जब मैं पटना में पढ़ाई कर रहा था तो मेरी एक आदत थी हुँ. कि रात को ना मैं भाग के स्टेशन चला जाता था स्टेशन पे दो तीन दोस्त बैठते थे अब बैठ के मैं रोज पैसेंजर देखता था लेकिन मुझे ना तंदूरी रोटी बहुत पसंद थी अच्छा तो स्टेशन के बाहर एक रेस्टोरेंट था जो बटर चिकन रोटी पकाता था, था। और तब बगल में स्टेशन है और स्टेशन में बैठ के और वो मुझे मज़ा आता था नहीं। नहीं। वो बिल्कुल मज़ा इसलिए आता था कि आप आप राजधानी लगी हुई है कोई रो रहा है कोई हंस रहा है कोई गाली दे रहा है कोई परेशान दौड़ रहा है और मैं हम लोग देख रहे होते हैं और हम मैं बोलता था देखो ये ऑपरेशन कराने जा रहा है कोई जरूर बीमारी है यहाँ नहीं यहाँ नहीं हो पाया इसका इसको देखो <laughs> ये शादी शादी होने वाली है इसकी अच्छा इसकी शादी हो गई है तो ये ना मन में चलता रहता था वो है। वो वो जो किरदार जाने अनजाने जो मैंने देखे हैं वो एकदम जज्ब हो गए और आज भी मैं मुझे कमा लगता है ऑब्जर्व करना स्टेशन पे जाकर यहाँ जाकर मेले में यहाँ वहाँ मैं अभी जो शो कर रहा हूँ वहाँ जाता हूँ तो कई लोगों से मिल रहा हूँ तो मेरे लिए ना जो स्पॉट और पीछे घूम रहा था उसको भी ऑब्जर्व कर लेता हूँ तो वो सब मेरे खजाना है मेरे खजाने में जब मौका मिलता है मैं उस खट से इम्प्लीमेंट कर देता हूँ Okay. किसी को पता भी चलता है किससे मैंने क्या लिया है, है, तो है के एक्टिंग परिभाषा ही नहीं है नहीं। मतलब उस हिसाब से हम कन्विंस हैं आपके अभिनय से इसलिए हम आपको अच्छा एक्टर बोल सकते हैं क्योंकि मैंने देखा है कि रामलीला में किसी ने हनुमान का रोल किया हुआ है वो भी आज सक्सेस है इंडस्ट्री में

कर रहा हूँ तो कई बार मेरे सामने बात आया था तो मैं जब वर्कशॉप करा रहा होता हूँ मतलब अभी जो भी काम मैंने किया है अभी मैंने एक सीरीज बनाई है जो भी आने वाली है अच्छे प्लेटफॉर्म पे एंडमोल शाइन इंडिया और कैटलिस मोशन पिक्चर ने इसको बनाया है जब मैं और बिहार बेस्ड है क्राइम बेस्ड तो उसमें बहुत सारे किरदार थे जब मैं वर्कशॉप ले रहा था तो मैंने उनको कहा कि देखिए मैं भी एक्टर हूँ और आप समझते हैं कि एक एक्टर जो है ना कोशिश यही करता है कि अपने आप को थोपता है क्योंकि मैंने लिखा भी है किरदार गढ़ा भी है, है। इसलिए भी, okay. एक एक भी, भी नहीं चाहता मैं सिर्फ आपको अपने गढ़े हुए किरदार के बारे में बताऊंगा यह मेरा किरदार ऐसा बोलता है ऐसा चलता है और फिर मैं बोलता हूँ कि आप सब भी एक मुकम्मल एक्टर हैं आप भी कुछ लेकर आइए इस किरदार को और बेहतरीन खूबसूरत बनाई है क्योंकि आप सब एक्टर हैं अब मैं ही अगर सबको समझाने लगूंगा तो सब एक जैसे दिखेंगे देखिए रामायण महाभारत जितनी भी गाथाएं लिखी गई हैं आप कमाल देखिए आप जो भगवान राम है लिखने वाले भगवान राम के बारे में लिख रहे हैं लिखने वाले रावण के बारे में लिख रहे हैं और रावण खलनायक है राम हीरो है जब बातें होती हैं तो अलग अलग है ना एक ही आदमी लिख रहा है जब उसमें वो खूबसूरती है फिर कैसे मैं छीन लूंगा इन चीजों को भाई आपकी वोकैबरी अलग होगी आपके शब्दोश अलग होंगे उनके बात करने का तरीका अलग होगा तो यही मैं बताता हूं ऐसा होता है कि जहाँ पे कैरेक्टर्स तो अलग अलग लिख लिए जाते हैं उनको निभाने वाले लोग एक्टिंग करते हैं कैरेक्टर प्ले नहीं कर पाते ऐसा डिस्कनेक्ट दिखता है डिस्कनेक्ट हाँ। दिखता है तो वहाँ हम लोग करेक्ट करते हैं लेकिन फिर भी वही बोल रहा हूँ कि क्या होता है कि आप किस कन्विक्शन से एक्टिंग करें वो आप जानते हैं बट देखते वक्त मैं अगर कन्विंस हूँ मैं अगर तो, तो मुझे लगता है कि ऑडियंस भी कन्विंस हो जाएगी तो फिर मैं आपके उस उसके पीछे के ग्रामर नहीं, के बारे में नहीं नहीं, पूछने जाऊंगा कि भाई बेटा तुमने कैसे किरदार बनाया तो हमने हम ये कोशिश करते हैं बताया ना आपको कि हम किरदार के करीब लेके जाएंगे आपको ये कुछ ऐसा ऐसा है और चूंकि आपके पास आपका अनुभव है इतने सालों से आपने काम किया है तो आप उसको आत्मसात कर लीजिए या फिर उससे भी बेहतर करने की कोशिश करिए कुछ नया डायमेंशन ला दीजिए जो मैं मुझे दिख ही नहीं रहा हो आप समझ रही इतने कमाल कमाल के एक्टर हैं इरफान साहब को देखिए आप दुनिया में नहीं रहे आप मनोज भाई को देखिए थिएटर से आए और चुनिंदा नामों को देखिए ये जब एक्टिंग करते हैं तो इसके पीछे का अनुभव आपको दिखता है इरफान साहब इतने इतने सहज तरीके से बात कह जाते थे कि उन्होंने वो छाप छोड़ दी कि लोग उनकी नकल करने लगे हुँ। आज अरिजीत सिंह के गाने का स्टाइल हिट हो गया है तो मोस्ट ऑफ द सिंगर्स लाइक वो जनरल पकड़ लिए हैं मैं वही बोल रहा हूँ जैसे आप बात हुई ना कि आपने जो पॉडकास्ट से अब अपना निश बनाना चाह रही हैं मैं उसे बिलीव करता हूँ मैं भी चाहता हूँ कि नसीर साहब ओमपुरी सर या ऐसे जो किरदार हैं जिन्होंने जो पुरोधा हैं अभिनय के और जिनसे समझ लीजिए कि अभिनय की ज्ञान गंगा निकल रही हो और लोग उसमें नहा लें उनसे सीख के तो वो मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे वैसी ही बात है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी वो बनिए बड़ी अच्छी बात है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है समझाइए अभी मतलब <laughs> <laughs> जो है वो काफी है अच्छा। ये संतुष्टि का जो भाव है ना इसको मैं तोड़ना चाहता हूँ हाँ। मैं ये कहता हूँ कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है लेकिन संदर्भ अलग अलग होना चाहिए दिल मागे मोर वाला हाँ, हाँ। क्योंकि आपके अंदर वो बेचैनी नहीं आएगी ना हाँ। आपके अंदर वो पागल पंथ नहीं आया यार ये भी करना है वो और बेहतर करना है चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो वो फिर आप अलग दिखिएगा छोटी सी भूमिका में भी अगर आपने वो आपने अपना एफर्ट डाल दिया है तो आप अलग दिखेंगे मेरे पास कई अब जैसे कई सारे आते हैं कि सर ये चार सिंह का ही रोल है पांच सिंह का ही रोल है तो मैंने मैं हमेशा कहता हूँ कि देख अगर वो रोल मेरा है ना तो मैं जरूर करूँगा वो किरदार इस पूरे फिल्म में कुछ चेंजेस लाता है तो मैं करूंगा चाहे वो दो या तीन सीन का रोल है और मैं जान डाल दूंगा बस फिलर है तो मत 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 से करवा मेरे मेरे और भी दुकान चलते हैं <laughs> मेरा मेरे बच्चे की फीस जा रहे मुझे उन किरदारों के लिए याद रखें जब मैं जाऊँ तो मुझे उन फिल्मों के लिए याद रखें कि शशि ने ये फिल्में बनाई क्यों बनाई बहुत तो अच्छी आपने बात कह दी कि जब हम रिफ्लेक्ट करके देखें अपनी लाइफ की जर्नी में तो कुछ अच्छे ही वाक्य याद आए और ये जरूर याद रहे कि ये सीन किया था तो मैंने क्यों किया था मेरा uh, क्वेश्चन है फिल्म्स पे योर मेमोरेबल बिकॉज आपने बहुत ऑफ बीट में mm -hmm. बहुत ऑफ बीट मूवीज़ में काम किया है बहुत ऑफ़ बीट कैरेक्टर्स किए हैं ऑफ़ बीट स्टोरी लाइन है, है. Mm -hmm. जो मतलब आपको मैंने मैसेज किया था जब आपका कटहल में रोल देखा था <laughs> 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 कटल में And I love the concept, okay, <laughs> कि दुनिया में क्लाइमेट इशूज चल रहे हैं यहाँ पे कटल, कटल आपकी ड्यूटी भी थी उस कटल कोई देखिए छोटा सा किरदार है लेकिन मैंने कोशिश याद रख जाएगा हो बिल्कुल सो so, सॉरी uh, मैं इसलिए नहीं हंस रही कि वो uh, <laughs> <laughs> वो मूवी का कॉन्सेप्ट मेरा कहना यह की मोस्ट मेमोरेबल किरदार फ्रॉम अ मूवी पॉइंट ऑफ व्यू देखिए एक फिल्म है जो जियो सिनेमा पे अवेलेबल है बड़ी बड़ी फिलोसफिकल फिल्म है दार्शनीय मतलब दार्शनिक फिल्म है हुँ. और एक बहुत युवा निर्देशक ने बनाई है और मेरे मित्र ने उसको प्रोड्यूस किया है फिल्म का नाम है को एम आई ये ना एक एक किताब पे बेस्ड है जी जी उस किताब का नाम है को अहम अशोक जमनानी जी हैं जिन्होंने इस किताब को लिखा है उनके बुक पे बेस्ड है उसमें एक प्रोफेसर का रोल है वो जब निभाते वक्त मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा मतलब वो देखिए मुझे याद रह गया वो मुझे हालांकि रिलीज हुई फिल्म है और जियो पे है ऑबेट फिल्म है है ना मतलब उसको देखने के लिए आपको पेसेंस चाहिए उस तरह के सिनेमा को लेकिन जब एक बार देख लेंगे आप तो आप ना अंदर भरी भरी महसूस करेंगे कुछ लेके जा रही हैं आप तो उसमें वो किरदार वो है वो मुझे लगा कि अब तक का मुझे अच्छा लग रहा है वो बात इस किरदारों की है और लाइफ में किरदार एक का हजारों हैं Uh, कुछ तो हम खुद प्ले करते हैं uh, जो सिचुएशन समय लोगों के साथ में हम अपने किरदार बदल के करते हैं बाकी तो किरदार हैं सभी करेक्ट कैरेक्टर्स हैं अपनी लाइफ में और अगर ऐसे देखें तो लाइफ थोड़ी लाइटली भी लगती है कि क्या कैरेक्टर है आप <laughs> रोज़ सीखने के लिए तैयार रहिए मैं तो शहर में तो रिश्तों को ही समझ रहा हूँ और जो इन भाव को समझ लेगा ना मुझे लगता है कि अच्छा मैं कर लेगा ऐसे आपने फिल्म देखी होगी रॉक ऑन है ना तो उसमें वो किरदार क्या है कि अपने लिए वो पैथोस ढूंढ रहा है <laughs> उसके अंदर वो खाली पन ताकि क्राइसिस आए तो अच्छा कर पाए यस लेकिन सच पूछिए तो आइडिया जहां से भी आया होगा उनको लेकिन ये सत्य बात है रिलेशनशिप ऐसी चीज है ना आप हम रोज एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि आज वो सगा है कल वो ठगा है है ना तो वो वाली चीजें हैं और आप हर रोज बिट्रेल के शिकार होते हैं कभी अच्छा लगता है कि अरे ये तो कमाल है और ये सब ना आपको एक जगह पे लेके जाता है जब आप लिखने बैठते हैं ना तो कमाल की चीज़ें तब तो आपको समझ आता है कि ये किरदार में ये ट्विस्ट दे दो तो ये ऐसा होगा जैसे मैं अभी वेब सीरीज लिख रहा हूँ रियल लाइफ इंसिडेंस है किसी की तो वो किरदार आज भी है लेकिन उसकी इर्द गिर्द जो घटनाएं घटी हैं उसको बुनने में ना मुझे इतना इंटरेस्ट क्योंकि आपकी कहानी है आपने अपना एक वर्जन सुनाया ठीक अब आप वही बात कहेंगे जो आप मुझे कहना चाहते हैं हुँ. लेकिन अगर मैंने जीवन में यह अनुभव पाया है ऐसे स्थिति में लोग ऐसे हो जाते हैं तो वो लिखना मेरे लिए आसान हो जाता है हुँ. और जब खुद पे होती है तो आप दूसरे का पहलू भी और आ, बेटर समझ पाते हैं बिल्कुल बिल्कुल इसलिए बोलता हूं कि मतलब हम लोगों को वही मजा आता है वही देखने में वही समझने में और मैं तो चीज़ों को बहुत पॉजिटिव ले रहा हूं देखिए मेरे जीवन में अभी भी मेरे हिस्से का शुक्रवार नहीं आया जो थी और मैं प्रतीक्षा में हूं मैं मैं ऐसा नहीं कि मैं गिव अप कर दिया है मैंने मुझे लगता है कि आज न कल मेरे हिस्से का भी शुक्रवार आएगा और शुक्रवार ऐसा होगा कि बाकी कैलेंडर मजबूत कर देगा हमारा वो इसलिए भी कि बहुत सारी चीजें करनी है और बच्चन साहब कि घर के बगल में मेरा घर नहीं है इसलिए मैं अपने आप को सफल नहीं मानता हो सकता मैं जहाँ से चलकर आया था और जहां भी हूँ मैं मैं रोज ईश्वर का वो ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत दिया है और आगे सी देते रहिए कंप्लेन नहीं है बेचैनियाँ होती हैं कि यार उनका हो रहा है तो कहाँ कमी है मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा हूँ मतलब होता ना आत्मविचना वो सब चल रहा है लेकिन

साथ में खुद सीख लेते हैं समझ लेते हैं अबाउट ईच अदर कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो दूसरों को hmm. दूर से कि भाई मंगल हो स, नो सुरक्षित रहो यू नो आई मेट क्राइम पेट्रोल टाइम बैक तो मैंने देखते ही उनको डायलॉग बोल दिया सुरक्षित रहो दे जबरदस्त एक्ट्रेस है राइट सो बहुत अच्छा लगा शशि जी बहुत ही सिंपली आपने इतनी दिलचस्प चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें ऐसे एक ऐसे एक्सपीरियंस लाइफ के हमारे साथ शेयर किए हैं अभी आपका शुक्रवार फॉर श्योर आएगा ठीक है और शुक्रवार को ही आएगा बट येस आई गेट वॉट यू आर सेंइंग एंड हम आपसे पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन uh, कर रहे थे गेस्ट के साथ में और वो विजडम uh, प्रोजेक्ट से रिलेटेड है कि हमारे एंशेंट सेजस ने ऋषि मुनियों ने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन छोड़ी है जो बहुत ही इमोटेंट और बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर अ होलिस्टिक फिनमली सक्सेसफुल लाइफ जब जिंदगी मायूस होती है तो महसूस होती है सो so, जब आप, आप लाइफ को ऐसे महसूस करते हैं तो आपको शायद लगता होगा कि ये चीज़ तो मेरे लिए बनी ही नहीं थी और मैं इतना सर मार हुआ था राइट right? और जो बनी थी उससे तो उसको तो ध्यान ही नहीं दिया सो <laughs> चेज so, हम कुछ और कर रहे हैं जाना कहीं और है जीपीएस का कनेक्शन मिल नहीं रहा है लॉस्ट हम लोग रखे हैं आप फिल्म मेकर भी हैं और आपने कहा कि एक फिल्म पे काम कर रहे हैं uh, मैं ऐसे कई लोगों को मिली हूं जो इन्वेस्टमेंट uh, करते हैं और इन्वेस्टमेंट है तो रिटर्न भी है बट कुछ चीजें सिर्फ सपोर्टिव इन्वेस्टमेंट होती हैं जिससे पैसा नहीं नाम चाहिए हाउ कैन पीपल लाइक मी सपोर्ट अ फिल्म मेकर लाइक यू बाई सपोर्टिंग और फंडिंग सच प्रोजेक्ट कोई तरीका है और कुछ आपने सोचा है इस बारे में बिल्कुल सोचा है अभी जिस तरह से ओ uh, का दौर चल रहा है और बहुत सारी कहानियों को जगह मिल रहे हैं। वैसे दौर में अगर आप एक कैलकुलेटिव uh, बजट में अगर आप फिल्म बनाती हैं और अच्छी फिल्म बनती है तो जगह तो मिलती है जिसे अभी जो जिस फिल्म की कहानी मैंने आपको सुनाई थी मैं वापस उस फिल्म को ही बनाने में लगा हुआ हूं और मुझे यकीन है कि सरकार किसी की भी रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसा नारा है जो हमेशा चलता रहेगा बिल्कुल मुझे लगता है यार ये क्यों लिखते हो यार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कौन हो लिखने वाले तुम तुम मान के चलते हो कि बेटी दो दर्जे की जनता है मतलब सिटीजन है मतलब सेकंड सिटीजन में आती है क्या वो कैसे तुम कह सकते हो ट्रक के ऊपर लिख दिया हाईवे पे लिख दिया अरे बेटा पढ़ाओ देश सुधारो ये भी हो सकता है ये डिस्क्रिमिनेशन तो मान के चल रहे हो आप जब दो सौ रुपये ढाई सौ रुपये खर्च करके फिल्म देखने आएंगे तो आपको ये इन ले यार ज्ञान दे दिया क्योंकि आप जब सिनेमा देखने जाते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि वो सिगरेट पीने वाला धुआं धुआं निकल जाए तो मैं पहुंचू है ना क्योंकि वो भी ज्ञान है लेकिन आप नहीं देख पाते हैं तो मेरा ये चैलेंज ये था कि मैं ऐसी कहानी लिखू जो अपनी बात भी कह रहा है और साथ में आपको एंजॉयमेंट भी दे रहा है कि अरे यार ऐसा है कि मैं लकी लक्की टाइप फिल्म को देख रहा हूँ तो वो एक कोशिश था जो इससे पहले आप कह रही थी मेरे जीवन में कुछ चीजें बड़ी अचानक से हुई मैं आर्ट ऑफ लिविंग ने मेरे जीवन में बहुत इम्पैक्ट डाला है जो कि मैं गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का बड़ा आभारी हूँ गुरुदेव एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि बोझ लेके चलोगे तो भारीपन महसूस होगा बोझ को जाओ गिराओ और निकलो आगे हल्का फील करो तो तुम रखो मत कोई चीज़ एक और बात कहते हैं कि कि गलती किसी और की गुस्सा तुम क्यों कर रहे हो नुकसान तुम्हारा होगा हम बच्चे को ये कहना छोड़ दें कि तुमने ये कब क्यों तोड़ दिया <laughs> कोई बच्चा तुम्हारा नॉर्मल तो है नहीं कि फिर तोड़ दिया <laughs> होगा कैसे गिरा दिए कैसे <laughs> गिरा ऐसे <laughs> हाँ, टूटा तो नहीं होगा बोलो वो मैं कहना क्या चाह रहा राइट राइट आप आप उसको अच्छा गलती से <laughs> लग गया देख के चलो सावधारे चलो उसको पूछो तुम्हें तो नहीं लगी तो तय करो कि कौन बीमार है इसमें ट्रू ट्रू तो वो चीज ठीक करनी है और आज भी जद्दोजह जारी है लेकिन वो है कि अपनी तैयारी है अपनी तैयारी है जह दो जहद जारी है बट अपनी तैयारी है राइट ओके दिस इज़ अफकोर्स दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग एक आर्टिस्ट एक क्रिएटिव आई थिंक आपको क्या क्या बोल सकते हैं ऐसे आपके दस नाम ऐसे ऐसे नाम है नारायण के जैसे बहुत सारे नाम हैं आपको बुलाया जाता है एक्टर डायरेक्टर स्क्रिप्ट राइटर